Bonjour, salam, namaste. Après avoir pichli var mene Q&A 11 mai, Q&A 11 mai ek video banayi thi jisme mene savoir aur connaître ke beech mein farak bataya tha. To ye ek viewer ki request pe mene banayi thi ek subscriber ki. Uske baad mujhe kafi emails aayi hain aur jinme logon ne mujhe bola hai ki ye aap apne acha topic banaya hai kyunki ye hame bhi problem aati hai. Aur aap mein se kafi logon ne mujhe homework karke bhi bheje hain aur homework se mujhe andaza ho raha hai ki आपको समझ में तो आ गया सवा और कनेक्ट, लेकिन अभी भी आपको सही तरीके से सेंटेंस में फिट करना नहीं आता, क्योंकि मुझे ईमेल में भी आपके जवाब आए हैं, कुछ लोगों ने मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेज करके जवाब दिए हैं. तो अभी भी आपके लिए ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो कोशिश करूंगी कि आज की वीडियो में मैं उसको थोड़ा क्लियर कर सकूँ, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको कन्फ्यूजिंग हो रही है, ताकि वो कन्फ्यूजन दोबारा से आपको ना हो. तो आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ. ये मेरी ईमेल आईडी है friendsseeker@gmail.com. फेसबुक पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं friendsseeker2017, और वेबसाइट है friendsseeker.fr. अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा. आपको याद है कि मैं कद्दलाहूत के ऊपर इस साल फोकस कर रही हूँ, तो मैंने फॉर्म डाला था. पिछली वीडियो के नीचे एक लिंक था जिसमें लोगों ने एडमिशन करवाई है, तो कद्दलाहूत की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं. जिन्होंने एडमिशन करवाई थी उनको ईमेल आ गई थी, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है. तो अगर आप में से कुछ और लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये फॉर्म भी भर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी एडमिशन भी करवा सकते हैं. डेट लिखी हुई है, टाइम लिखी हुई है, अगर आपकी प्लानिंग के साथ मैच होता है तो आप अपनी इंस्क्रिप्शन करवा सकते हैं. वाला एक और बात मैं इस बताना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोगों ने मुझे ईमेल करके बोला है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, कि फ्रेंच बोलने की प्रॉब्लम होती है, कि क्या आप क्लासेस देते हैं जो कन्वर्सेशन ओरल की हो, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को समझ आ जाती है, लेकिन जब वो बोलने की कोशिश करते हैं बोल नहीं पाते, या सामने वाले को समझ नहीं आता. तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी पर्सनल इंडिविजुअल क्लासेस शुरू कर रही हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आप स्टूडेंट हैं या किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंच के अलावा, जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है मैथ के लिए, साइंस के लिए, तो आप उस पे एडमिशन करवा सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके फॉर्मेशन में वहाँ पे देते हैं, तो वहाँ पे जिस हिसाब से आपको सही लगता है आप एडमिशन करवा सकते हैं. पहले वो फ्रांसे, ये इंडिविजुअल क्लासेस होंगी, तो इन क्लासेस में अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम है या आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो से शुरू करना चाहते हैं, इंडिविजुअल क्लासेस का ये फायदा है कि मैं आपको सुनूंगी, आपको बताऊंगी, जिससे आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी और जो बात आपको कंफ्यूजिंग लग रही है वो क्लियर हो जाएगी. तो अगर आप इन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट के ऊपर जाके आप फॉर्मेशन में अपनी एडमिशन करवा सकते हैं. और आपको याद था मैंने आपको बताया था पिछली बार कि जो लोग फैमिली करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि मेरे से होगी या नहीं होगी, कुछ लोग डरते नहीं हैं, कंफ्यूजन भी नहीं है उनको, लेकिन बजट के हिसाब से उनको लगता है कि फैमिली थोड़ी महंगी है, पॉसिबल है या नहीं है. तो आपको पता है फ्रांस में काफ़ी एड मिलती है एज ग्रुप के हिसाब से, आप स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, तो हर कंडीशन के हिसाब से है. तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे ईमेल करके बोला है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उनको लिंक भेजे हैं कि, लिंक तो नहीं भेजे, मैंने उनको ये बोला है कि यहाँ पे जाके ये वाला फॉर्म दे करें, उसको भर के भेजें तो आपको एड मिलेगी, सिचुएशन के हिसाब से है. तो अगर आप स्टूडेंट हैं, मधुवंशांक हैं, या पोलो उपलो में शोमाज पे हैं, तो आई थिंक पोलो उपलो भी हेल्प करती है, तो ये काफ़ी ऑप्शंस हैं. तो अभी सिचुएशन के हिसाब से मुझे ईमेल भेज सकते हैं, मैं अपनी एडवाइस दे सकती हूँ ताकि आप आगे जाके हेल्प मांग लें. मिल गई अच्छी बात है, आपकी फैमिली में हेल्प हो जाएगी, नहीं मिली तो इस बार अभी भी वैसे कौन सा आपके पास हेल्प है, तो ट्राई करें, कोई नुकसान नहीं है. और मैंने एक और बात बोली थी, आप में से काफ़ी लोग मुझे ईमेल करके पूछते हैं कि ये वाला फॉर्म कैसे भरना है, वो वाला कैसे भरना है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आपको फॉर्म भरना है, काफ का भरना है, प्रीम एक्टिविटी क्या सिस्टम है, आपसे भरा नहीं जा रहा, आप मुझे बस इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं किस टॉपिक के ऊपर है, ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, एग्जाम्पल वाली वीडियो होगी जिसमें आपका नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको आ रही है तो हो सकता है किसी और को भी ये डिफिकल्टी आ रही हो, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं.
आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने सवार और कनेक्ट के बारे में लास्ट टाइम आपको बताया था। दोनों का मतलब मिलता जुलता बहुत है, लेकिन जब यूज करते हैं तो इसके अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं। सवार मतलब जानना, किसी चीज के बारे में पता होना, और कनेक्ट किसी को जानना। और किसी चीज के बारे में पता होना तो नहीं चलेगा, लेकिन किसी को जानना, किसी इंसान को जानना, किसी शख्स को जानना, तो सवार पता होना। मैंने आपको बताया था सवा ज्यादातर वर्ब के साथ लगता है या फ्राज वर्बल, मतलब पूरा एक सेंटेंस का हिस्सा जिसमें वर्ब आता है, फ्राज वर्बल। अगर आपको इन दो चीजों के ऊपर डाउट है, फ्राज वर्बल और वर्ब, तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। कनेत्र प्लस साथ में नो लगता है या ग्रुप नोमिनल लगता है। और अगर ये भी आपके लिए अभी तक कंफ्यूजन है इस टॉपिक के ऊपर, मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं डिटेल में बता रही हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आइए उसकी करेक्शन करते हैं। आई होप कि इस करेक्शन के बाद आपके लिए कुछ काफी क्लियर हो जाएगा, सवा कहाँ पे यूज करते हैं और कनेत्र कहाँ पे यूज करते हैं। चू यून एकोल दे फ्रांसे, अब यहाँ पे मुझे कोई भी वर्ब नहीं दिखाई दे रहा। यून कोई वर्ब नहीं है, एकोल कोई वर्ब नहीं है, दे कोई वर्ब नहीं है, फ्रांसे नहीं है, तो नॉर्मलमो पहली ऑप्शन है आपके पास कनेत्र, क्योंकि ये tu deuxième personne de singulier है, तो je connais, tu connais, il connaît, तो tu connais आएगा। tu connais une école de français, तुम्हें किसी फ्रेंच स्कूल के बारे में पता है, मालूमात है। दूसरा tu connais José, José एक नाम है, नो ये हमारा une école de français ग्रुप नोमिनल है, ये José नो है, तो tu connais José आएगा, tu sais José नहीं आएगा, ये कोई वर्ब नहीं है José। उसके बाद tu qu'il est parti en Inde, qu'il est parti en Inde, वो इंडिया गया है। tu तुम, tu connais आएगा या tu sais आएगा, अब बहुत आसान है, ए वर्ब है, parti वर्ब, partir वर्ब, ये वर्ब être, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, वर्ब savoir ही आएगा। tu sais qu'il est parti en Inde, tu connais qu'il est parti en Inde, ये नहीं बोला जाएगा। उसके बाद tu où il habite, habiter रहना, वर्ब habiter, tu sais où il habite, ये हमारा ग्रुप वर्बल है, जैसे मैंने आपको पुरानी स्लाइड में बताया है, tu sais où il habite, tu connais où il habite नहीं आएगा। il ne pas conduire, conduire driving करना, il ne connaît pas conduire नहीं लाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्ब आ गया है, तो il ne sait pas conduire, उसको ड्राइविंग नहीं आती। तो आप देखेंगे connaître मतलब जानना, पता होना, savoir भी पता होना, जानना, लेकिन il ne sait pas conduire, उसको ड्राइविंग नहीं आती, उसको ड्राइविंग नहीं, ड्राइविंग करने की जांच नहीं है, तो वर्ब मिलते जुलते हैं हमारी लैंग्वेज में, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से उनको अलग तरीके से यूज किया जाता है। il mon frère, मेरा भाई, कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे, il connaît mon frère, वर्ब connaître आएगा obligé, कोई और ऑप्शन नहीं है। Rendez-vous à 18h à Gare du Nord. इसके ऊपर मुझे काफी जवाब मैंने देखे हैं, तो हर तरह के जवाब आए, कुछ लोग अच्छी तरह से समझ गए, बिल्कुल सही जवाब दिए, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुई, उन्होंने बिल्कुल उल्टे जवाब दिए, क्योंकि इसके नीचे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे थे। Rendez-vous à 18h à Gare du Nord. 6 बजे रेंडेवू है गैर जू नॉर पे। पहला सवाल, क्या तुम्हें उस जगह के बारे में पता है? Tu connais. क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, tu connais, obligé. दूसरा मैंने बोला था tu comment y aller, तुम्हें पता है कैसे जाना है, comment y aller, aller verb है, तो obligé से आएगा, verb savoir, tu sais comment y aller. आई होप कि इन एक्सरसाइज से आपको समझ आ गया होगा, अगर अभी भी नहीं समझ आया तो आप मुझे ईमेल कर दे, हो सकता है कि मेरे तरीके में आपको कुछ कंफ्यूजन होगी होगी, या आपको किसी ने किसी और तरीके से बताया होगा और आपको अभी भी डाउट, आपको समझ नहीं आ रहा, या कभी कभी डाउट होता है, तो ईमेल करें, मुझे खुशी होगी आपके मैसेजेस पढ़ के। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।